आज 25 मई 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। देर रात 1:19 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। वृक्षरा नक्षत्र है सुबह 6:10 तक और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज रंभा तृतीया है और महाराणा प्रताप जयंती। मेष राशि वालों के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हो रही हैं और आपको काम करने का मौका भी मिल रहा है, फिर भी आपके मन में असंतोष बैठा हुआ है जिसे दूर कर देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सोचकर भी इंसान कुछ कर नहीं पाता और नाकामियां ही हाथ लगती, इसलिए भी अपने भरोसे को जगा लें और जिंदगी में नियमित होकर कुछ बेहतर करने की कोशिश कर। वृषभ राशि वालों ने आमदनी को लेकर अपने मन में जो असंतोष बिठा रखा है उसका बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर काम में ही मन नहीं लगेगा तो आमदनी के साधन भी कमजोर होते चले जाएंगे। इसलिए नई बनती हुई परिस्थितियों को बहुत धैर्य के साथ समझने की कोशिश करनी होगी। हालात आपके लिए सुधर रहे हैं, इस चीज का पूरा फायदा भी उठाना होगा। मिथुन राशि वालों ने अपनी परेशानियों को खुद एकत्रित कर रखा है। बहुत ज्यादा सोचकर और बहुत ज्यादा परेशान होकर ऐसा ही होता है, इंसान टूटता चला जाता है। पर बहुत सारी अच्छाई है आपके सामने जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौका दे रही है और दस्तक दे रही। आप उस अच्छाई को भी फिलहाल समझ नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि उत्तेजना से किए गए फैसले अमूमन गलत हो जाते हैं और आपके लिए तो वैसे ही बहुत सारे दबाव बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद रोजमर्रा के खर्चों के बढ़ने का योग, इसलिए बहुत सारी योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस संबंध? अपनी कोशिशों को सही दिशा देने के प्रयास करने होंगे ताकि आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत आपका हर तरह से साथ दे पाए और आपको लाभ मिले। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति पहले से सुधर रही थी, अब काम से लाभ भी बनता चला जा रहा है, पर आपकी चिंताएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। हर बेहतर होते हुए समय को समझने की भी जरूरत पड़ती है ताकि उसका पूरा फायदा भी उठाया जा सके। क्या करना चाहिए इस समय? धन लाभ बढ़ेगा तो आपका भरोसा बढ़ेगा और उस भरोसे के तहत आप कई तरह के अच्छे विकल्प तलाश पाएंगे। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति बेहतर जरूर हो रही है पर आप फिर भी चिंतित, क्योंकि आपको लग रहा है कि किसी भी काम को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लोगों के सहयोग में कमी हो सकती है पर कामकाज वैसे ही सुधर रहा है। तुला राशि वालों के हालात बेहतर हो रहे हैं और कामकाज की स्थिति को बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। जो रोजमर्रा की चुनौतियां पहले बनी हुई थी अब उनके हट जाने का समय आ रहा है, पर लोगों की नाराजगियों को फिर भी संभालना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? अपने व्यवहार में थोड़ा सा धीमापन लाएंगे तो अपने कामकाज की प्राथमिकता को समझना आसान हो जाएगा। किसी भी चीज को करने में और पाने में थोड़ा सा वक्त, इसलिए थोड़ा सा धैर्य भी बनाए रखें। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान है और हर छोटी बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आपने अपनों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। इंसान अपना कर्तव्य अगर बखूबी निभाता चला जाए तो हालात भी साथ जरूर दे। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक स्थिति को संभाल कर चलाना बहुत जरूरी होगा। अपनी बचत को किसी सुरक्षित निवेश में लगाना होगा और अपनी आमदनी को बचाए रखने की कोशिश करनी होगी। धनु राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि लोगों का व्यवहार आपके प्रति बेहतर होता चला जाता है, पर कमी है कि आपका असंतोष वैसे ही बना हुआ है जिसके चलते आप लोगों पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे जितनी की जरूरत। बहुत जल्द आपको अपनों की अच्छाई का एहसास होगा और आप अपने अंदर भी परिवर्तन ला पाएंगे। क्या करना चाहिए समय? कामकाज की स्थिति बेहतर हो रही है जिसमें आपके साथी सहयोगी आपकी सहायता कर सकते हैं, उस अच्छाई को समझें और काम को बढ़ावा देने की कोशिश कर लें। मकर राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है पर मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। सेहत से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं पर उसके लिए भी आप जरूरत से ज्यादा ही चिंता लगाते चले जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना अच्छी बात है पर जरूरत से ज्यादा घबरा जाना साथ ही साथ ठीक है। क्या करना चाहिए समूह? पैसे के लेन देन को इस रूप से संभालें
कि आपकी बचत बनी रहे और आपकी जरूरतें भी पूरी होती रहे। कुंभ राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर बहुत सारी उलझन, बहुत सारा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, लोगों के बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसमें आप बहुत ज्यादा ही सोचकर दुखी भी होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? उस अच्छाई की ओर देखें जो आपको रिश्तों से जोड़े हुए है। इसके बावजूद कि आपने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जिसमें आपने खुद लोगों से दूरियां बनाई। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई, पर आप फिर भी संतुष्ट नहीं। आपकी उम्मीदें भी कुछ ज्यादा हैं और वो इस रूप से ज्यादा हैं कि आप कई तरह के ऐसे विचार लेकर चल रहे हैं जो शायद इस समय पूरे होने वाले हैं। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों का साथ और सहयोग आपको मिला रहेगा और उसके चलते भी जिंदगी की खुशियों को बनाया जा सकता है।